अब्बा जी का यौम विलादत आपको बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला से दुआ है कि सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ अब्बा जी का साया अल्लाह ताला तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। और ये जो सिलसिले अजीमिया का एक गुलिस्तान है पूरा माशाल्लाह, ये तने तनहा देखा जाए तो एक ही बंदे का लगाया हुआ है, कलंदर बाबा औलिया के शागिर्द हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब का। हम सब की सारी काबिशें कोशिशें, अव्वल तो है ही कुछ नहीं, लेकिन चलो उनको किसी तरफ शुमार भी कर लें तो हम सब की सारी काबिशें और कोशिशें मजमूई तौर पर एक तरफ, और तनहा एक अल्लाह के बंदे की कोशिशें, बाबा जी की तनहा कोशिशें, वो हम सब पर, सारी इज्तमाही काबिशों पर भारी हैं। और उसका सबब यह है कि अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ी गहरी कल्बी और रूहानी वाबस्तगी, और अपने मुर्शिद के साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कमिटमेंट, यानी कलंदर बाबा औलिया के साथ, और मिशन की खिदमत करने का एक वालेहाना और एक दीवाना वार जज्बा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आँख ही इस माहौल में खोली, कलंदर बाबा औलिया की शफ़क़त अल्लाह ताला ने अता फरमाई, और कलंदर बाबा औलिया की सोहबत में बैठना नसीब फरमाया, कलंदर बाबा औलिया की मजलिस में शिरकत के साथ साथ इनफरादी तौर पर कई मामलात पे उनकी रहनुमाई अल्लाह ताला ने मुझे नसीब फरमाई। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि अब्बा मुझे अपने साथ, जब कलंदर बाबा हैदरी शिफ्ट हो गए, हैदरी वाले घर में शिफ्ट हो गए, या जब वो उस्मानाबाद रहते थे उस वक्त भी, और जब 1D17 में भी रहते थे और उस्मानाबाद में भी रहते थे, चंद दिन यहाँ चंद दिन वहाँ, तो हम उस्मानाबाद भी जाया करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि अब्बा अपने साथ मुझको लेकर गए, और कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैं अकेला गया। तो जब अब्बा के साथ कलंदर बाबा औलिया के पास जाना हुआ, तो उसमें तो ज़्यादातर ये होता था कि अब्बा कलंदर बाबा से कोई बात करते थे या खामोश रहते थे अब्बा, और कलंदर बाबा औलिया खुद कोई बात करते थे। ज़्यादातर तो यही होता था कि अब्बा जाके बैठ जाते थे, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, ख्वाजा साहब सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, दुल्हन ठीक हैं, सब ठीक हैं, जी जी अल्लाह का शुक्र। उसके बाद अब्बा अदब से खामोश बैठ गए, फिर कलंदर बाबा औलिया खुद कोई बात शुरू करते थे। ज़्यादातर ऐसा होता था, और कभी ऐसा भी होता था कि अब्बा कोई बात पूछते थे। एक तीसरी सूरत यह होती थी कि लिखने लिखाने का जो मामला था, और जो मेरे सामने हुआ, मेरे सामने दोनों जगह हुआ, 1D17 में भी और हैदरी वाले घर में भी, कि कुछ लिखना है तो अब्बा अपना कागज़ और कलम लेके एक थैले में, पहले एक रंगीन का, एक चमड़े का एक थैला सा आया करता था एक ज़माने में, उसमें रख के साथ ले गए, और वहाँ कलंदर बाबा के पास खिदमत में पहुँच के तो निकाल लिया। तो फिर मौजू पे बात हुई, और उस मौजू पर कलंदर बाबा ने बोलना शुरू किया और अब्बा ने लिखना शुरू किया। ये जो किताब है तस्करा बाबा ताजुद्दीन, मेरी काफ़ी मेरी यादाश्त में है कि ये जब इमला करा रहे थे कलंदर बाबा और अब्बा उसको लिख रहे थे, और मेरे एक खालू अहमद जमाल अजीमी, तो अब्बा और मेरे खालू बैठ के उसको लिखा करते थे, और हम अपना उधर साइकिल चला रहे हैं, छोटी होती है पहियों वाली साइकिल, या कोई उधर खेल कूद हो रही है, मेरे साथ मेरी छोटी बहन नासरा, और हम उधर खेल रहे हैं और कलंदर बाबा लिखवा रहे हैं। मतलब उन्होंने हमें नहीं कहा चलो तुम लोग इनसे जाओ, शोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चे अपने खेल कूद में लगे हुए हैं, और उधर इल्मी और इस तरह का जो तहरीरी काम है वो भी चल रहा है। तो तस्करा बाबा ताजुद्दीन नागपुरी के बास पैराग्राफ तो मेरे जहन में इस तरह नक्श है कि बाबा साहब बोल रहे हैं और अब्बा लिख रहे हैं। तो मुझे पूरा पूरा वो मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ किताब में, तो मुझे पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है, किस तरह ऊपर की मंजिल के सहन में बैठ के ये किताबत हो रही है। थोड़ा सा मुझे याद है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे याद है किताब लौह कलम के बारे में, और मुझे ये भी याद है कि लौह कलम किताब उर्दू में टाइप हुई थी। उस जमाने में उर्दू टाइपराइटर बिल्कुल कहीं कहीं हुआ करता था, तो
तो वो हमारे घर में था और उस पे किताब टाइप हुई थी पूरी लोह कलम। तो कलंदर बाबा औलिया की खिदमत में जब अब्बा के साथ जाना हुआ तो उसकी मैंने आपसे अर्ज किया कि तीन सूरतें हुई कि गए अब्बा, सलाम किया और खामोश होकर बैठ गए। बाबा साहब ने कोई बात शुरू की तो अब्बा ने जवाब दे दिया। किसी मौजू पे बाबा साहब ने कुछ इरशाद फरमाया तो अब्बा ने बहुत तवज्जो से सुना और फिर बाद में उसको लिख भी लिया। और कभी ऐसा हुआ कि बाबा ने खुद कोई सवाल किया और कभी ऐसा हुआ कि जो लिखने पढ़ने के मामला थे तो अब्बा ने वो कागज़ निकाला और उस मौजू पे जुमला शुरू हो गया। किताब रंग रोशनी से इलाज की तहरीर के कई मौके मेरी याददाश्त में हैं। किताब रूहानी इलाज, सबसे पहले जो अब्बा की किताब छपी वो है रंग रोशनी से इलाज, और ये मैंने लिखा भी है जो सोहेल साहब ने पढ़ा है उर्स पे, आप लोगों ने सुना होगा। देखा हमने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अब्बा के बारे में बनाई तो मैंने सारी तफसील भी लिखी है उसमें। सबसे पहले किताब अब्बा ने लिखी रंग और रोशनी से इलाज, उसके बाद किताब अब्बा ने लिखी रूहानी इलाज, और इन दोनों के लिए रहनुमाई कलंदर बाबा औलिया ने फरमाया। रंग रोशनी से इलाज कैसे क्या है, इसकी क्या थ्योरी है, इसका क्या पस मंजर है, रंग किस तरह असरअंदाज होते हैं, उनमें से कुछ बातें कलंदर बाबा की इरशाद फरमाई हुई मेरे यादाश्त में है। इसी तरह रूहानी इलाज के बारे में, और कभी ऐसा हुआ कि मैं कलंदर बाबा के पास अकेला गया और उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी बरस था उसमें तो मैं उनकी खिदमत में बहुत ज़्यादा गया हूँ, अब्बा के साथ भी गया हूँ और अकेला भी बहुत गया हूँ। अब मैंने अपने मुर्शिद की तामील, मुर्शिद का अदब और मुर्शिद के साथ एक वालेहाना लगाव और उनकी रिस्पेक्ट, उनके अहले खाना की रिस्पेक्ट, उनकी औलाद की रिस्पेक्ट का जो मनाजिर मैंने अब्बा के देखे हैं, जिस तरह से एक अब्बा का कलंदर बाबा औलिया के साथ एक बहुत ही डीप अकीदत मंदाना, अकीदत भरा एक ताल्लुक़ है, और उस ताल्लुक़ से जितने भी ताल्लुक बन रहे हैं उन सब की जो रिस्पेक्ट अब्बा ने की, उसके मुजाहरे बहुत ही कम नज़र आते हैं। इस तरह से एक बंदा इस तरह से अपने आप को अपने मुर्शिद में फना कर दे, तो जो इसमें जो मैंने अब्बा को देखा, सच्ची बात है कि मुझे उसके मुजाहरे बहुत ही, यानी हमारे जो भाई हैं अब्बा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आप सारे के सारे, बहुत ही अकीदत है, बहुत ही मोहब्बत है, बहुत ही रिस्पेक्ट है, नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब्बा की मैंने मोहब्बत देखी है ना अपने मुर्शिद के साथ, वैसी बहुत कम नज़र आती है। और जिस तरीके से अब्बा ने अपने मुर्शिद के मैसेज को, अपने मुर्शिद के पैगाम को, उनकी तालीमात को, उनकी सोच को, उनके नज़रिए को फैलाने के लिए, आम करने के लिए जो कोशिशें की हैं, वो भी उसके, तो खैर आप सभी शाहिद हैं, आप सब उसके गवाह हैं, तो वो भी ऐसी कमिटमेंट और ऐसा इसार और इस तरह अपने आप को उसमें एक तरीके से मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व कर देना, ऐसे मुजाहरे भी बहुत ही कम नज़र आते हैं इंसानों में। और एक बात ये कि जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में आ गए, क्योंकि मैं बहन भाइयों में बड़ा हूँ सबसे, तो मैंने ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो सब तरह के हालात हुए, सख्त तरीन माली तंगी वाले हालात भी हुए, खुशहाली वाले हालात भी आए, और ऐसा भी हुआ कि बाज़ औक़ात शदीद मुखालफतें या शदीद मुज़ाहमतों वाली बातें भी हुई, और ये भी हुआ कि कोई बड़ा मकसद सोचा गया लेकिन कोई एक पैसे के भी वसाइल नहीं। जैसे सबसे बड़ी मिसाल रूहानी डाइजेस्ट की है कि जब अब्बा ने रूहानी डाइजेस्ट शाया करने का इरादा किया तो पैसे ही नहीं थे। गुजर औकात होती थी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती थी, लेकिन एक रिसाले को पब्लिश करना, उसका सारा कुछ करना, तो इतने पैसे ही नहीं थे, इतने वसाइल ही नहीं थे। और मैं तो खैर छोटा था उस वक्त, 23-24 की मेरी एज होगी, तो ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन ये बहरहाल करता था कि ये सारे काम कैसे होंगे भाई, हमारे पास तो
हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। एक मोटरसाइकिल अब्बा ने मुझको लेके दे दी थी जब मैं कॉलेज में पहुंचा था, तो एक होंडा 70 अब्बा ने खरीद के मुझको दी। बड़ा मेरा इसरार था, तो उस होंडा 70 पर अब्बा मेरे साथ बैठ के जाया करते थे, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इधर, कभी उधर। और मैं ये सोचता था कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब्बा के जहन में ये बात नहीं थी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। बताना मैं आपको ये बात चाह रहा हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और वाकई में नहीं थे रिसोर्सेज। और आप जानते हैं कि ये कोई पब्लिकेशन कोई आसान काम तो नहीं है। अब्बा के साथ मैं अक्सर बाबा साहब के पास जाया करता था, तो अब्बा जो भी प्रोग्रेस होती थी वो बताते थे। पहले तो डिक्लेरेशन ही नहीं मिल रहा था, वो एक जमाने में डिक्लेरेशन लेना एक बहुत बड़ा काम होता था, मिलता ही नहीं था अखबार छापने का इजाजतनामा। अब तो इतना मीडिया की आज़ादी हो गई है, पहले तो ये तस्वूर नहीं होता था कि डिक्लेरेशन मिल जाए। पहले तो डिक्लेरेशन मिला, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जनाब डिक्लेरेशन मिल गया। उसके बाद फिर अब्बा कलंदर बाबा के पास जाते थे और उनको सारी बात बताते थे, जी अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। तो मैंने देखा कि अब्बा के जहन में किसी भी वक्त ये नहीं आया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। और बगैर रिसोर्सेज के कुछ लोगों को खतूत लिखे गए, क्योंकि हमारे पास खत आते थे तो हम उनके नोट कर लिया करते थे एड्रेसेस। तो उन लोगों को खत लिखे गए कि जनाब हम ये रिसाला निकाल रहे हैं, आप मेहरबानी करें इसकी एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप हमसे, और उसके कोई पता नहीं शायद 70 रुपीज़ या 60 रुपीज़ उसके सालाना चंदा था। हमने कहा जी ये पैसे हमें भेज दो आप। तो वहां से कुछ लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन ली, वहां से इब्तदाई पैसे आए जिससे रिसाला छपे। एक बंदा जिसके पास जीरो रिसोर्सेज हो और वो कभी भी ना सोचे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और वो अपनी उस काम को करने के लिए मुसलसल आगे बढ़ता जाए। तो ये बात जो मैंने अपने वालिद में देखी, ये इतनी हैरत अंगेज थी उस वक्त भी और आज भी। अभी भी मैं सोचता हूँ कि अब्बा के जहन में था कि ये काम करना है तो इसके लिए वसाइल आ जाएंगे, और वसाइल आए। और कितने आए मैं आपको वही भी बता देता हूँ, 17,400 या 500 रुपए, 17,400 या 500 रुपीज़ जो के लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन के मद में हमें भेजे। और वहां से फिर रूहानी डाइजेस्ट शुरू हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि 40-42 साल हो गए उसको शाये होते हुए। तो एक बात ये है कि जब अब्बा ने अखबार में लिखना शुरू किया, ये कोई 67 या 68 की बात है, और रूहानी डाइजेस्ट की इशात जो है वो उसके लिए अब्बा ज़्यादा एक्टिव हुए थे 77 से। डिक्लेरेशन मिलते मिलते एक साल लग गया, 78 में डिक्लेरेशन मिला, और दिसंबर 78 से उसकी इशात शुरू हुई। अखबारात में अब्बा ने लिखना शुरू किया कोई 67 या 68 से। तो मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं देखता था कि अब्बा लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं, और वो फिर कॉलम अब्बा का हुर्रियत अखबार में शाया हुआ। उस वक्त तक कोई भी अब्बा को नहीं जानता था कि ये कोई कलमकार हैं, ये कोई राइटर हैं। लेकिन थोड़े ही अरसे में जब अब्बा ने लिखना शुरू किया, तो थोड़े ही अरसे में माशाल्लाह वो जो कॉलम था रूहानी इलाज, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी माशाल्लाह रीडरशिप हो गई, बहुत बड़ी। चंद हफ्तों की बात है। अब्बा अपने मिजाज में, अपनी तबीयत में, अपने रवैयों में जैसे पहले थे वैसे उस मशहूरी के बाद आम सा अंदाज, आम सा रहन सहन। और हर वक्त हमारे घर में टेलीफोन था, तो टेलीफोन का नंबर दे दिया था कि जी जिसको रब्ता करना है कर ले, तो हर वक्त टेलीफोन आता रहता था। तो ये तक होता था कि रात को 2-2 बजे भी टेलीफोन आ जाया करते थे। तो एक मरतबा रात को 1-1.5 बजे टेलीफोन आया, तो मैंने उठाया और उनको मैंने कहा कि भाई साहब ये कोई वक्त है। अच्छा, घरों में महदूद टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन के नंबर। तो अब्बा सो रहे थे, तो मेरी बात करने से अब्बा उठ गए, और मैंने उन साहब से कहा ये कोई वक्त है बात करने का, आप सोचें, और दिन के टाइम में आपको फ़ोन करना चाहिए। तो मेरी इस बात से ना, आप उसी कमरे में अब्बा थे, तो अब्बा की आँख खुल गई। अब्बा ने कहा यार करा दिया करो भाई बात, कोई बेचारा पता नहीं किस उसमें होगा,
ऐसा कोई आया करे तो मुझे उठा के बात करा दिया करे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि एक अब्बा का मिजाज, उसमें एक हम्बलनेस, एक सादगी, एक जिसको कहते हैं डाउन टू अर्थ, खाकसारी। हम तो देखते हैं कि दुनिया में कोई छोटा सा कोई बंदा, कोई छोटे से बिजनेस का मालिक हो जाता है तो वो बड़ा, उसके बड़े भरम हो जाते हैं। तो अब्बा के मिजाज है माशाल्लाह, जो अब्बा 1960-65 में थे जब उन्हें कोई नहीं जानता था, वही अब्बा उस वक्त थे जब वो एक दुनिया उन्हें जानती थी। उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बहन भाइयों में भी अल्लाह ताला ने हमारे वालिद का असर डाला। मेरे अंदर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एटीट्यूड कभी कभार नजर आ जाता हो, लेकिन ये कि मेरे दूसरे बहन भाई जो हैं, अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी चीज़ हमने इनहेरिट की। और जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर ले तो फिर अल्लाह के भरोसे पर उस लाइन में लग जाए, ये अब्बा की सोच भी रही सारी उम्र, और ये अब्बा का तर्ज अमल भी रहा कि जब तुम कुछ करना चाहो तो फिर अल्लाह पे भरोसा करो और उस काम में लग जाओ। जैसे ये ताहिर भाई हमारे चिन्नियोट वाले, इन्होंने कहा कि जी मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो अब्बा ने कहा यार तुम 2000 रुपये से शुरू कर दो। तो जिस काम को करना चाहो अल्लाह पे भरोसा करो और चल पड़ो, चलने वाले को मंजिल मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि रास्ते में कुछ रुकावटें आए, ये भी हो सकता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आए, लेकिन सफर नहीं रोकना, चलते रहना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें और ये यकीन रखें कि अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानियां हम पर हैं। किसी के पास पैसे कम हैं, पैसे की कमी बेशी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इंसान ये कहे कि जी फलां फलां की इनकम ज्यादा है, मेरी इनकम कम है, तो ये तो देखो जी मुझे तो मेरी दुआ तो अल्लाह ने नहीं सुनी, तो अब्बा की तर्ज फिक्र के मुताबिक ऐसा सोचना गलत होगा। पैसे की कमी बेशी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ना इंसान की इज्जत का मेयार पैसा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा इज्जत हो, जिसके पास कम पैसा है उस बेचारे को आप नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दें, नो बिल्कुल नहीं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद भी अब्बा के दोस्तों का ज्यादातर, अब्बा के जो जिनके साथ ज्यादा नशिस्तें होती थी वो, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन वैसे मैं अपनी बात की वजाहत के लिए कह रहा हूँ, वो गरीब तबके के लोग थे और अब्बा उनके साथ खुशी से बैठते थे और अब्बा बहुत बड़े कॉलम निगार थे, और जो पैसे वाले थे उनके साथ भी अब्बा बैठते थे। लेकिन जो अब्बा के दोस्तों में जो गरीब तबके के लोग थे, अब्बा उनके साथ खूब बैठते थे, हंसी मजाक होती थी। अब्बा उनके साथ जहाँ पे भी बैठक हो रही है वहां जाते थे, वो हमारे घर आते थे। रिस्पेक्ट इंसान की है, रिस्पेक्ट पैसे या ओहदे की नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक आदमी अपनी जिंदगी में सफर करता है, और ख़ास तौर पे जब एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, तो जैसे जैसे वो एक्वायर करता चला जाता है वैसे वैसे उसके सोचने का अंदाज बदलता चला जाता है। अब्बा जैसे सन 60 में थे वैसे ही सन 70 में थे, वैसे ही सन 80 में थे, वैसे ही सन 90 में थे, वैसे ही आज है। और अल्लाह के ऊपर यकीन अब्बा की सबसे बड़ी ताकत है, अब्बा की सबसे बड़ी ऑनर और अब्बा की सबसे बड़ी डिग्निटी है। और गिला ना करना, देखें डिसअपॉइंटमेंट हर एक को होती है, खुशियां भी मिलती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, और बाज़ औक़ात डिसअपॉइंटमेंट उन लोगों से होती हैं जिन पे आप ज़्यादा डिपेंड करते हो, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन बाद में बैठ के अब्बा ने उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं की, देखो यार फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाना ऐसा, उसको मैंने इतना शफकत दी, उसने ऐसा कर, नो नेवर, कभी नहीं। किसी का नाम अब्बा ने बुराई से नहीं लिया, हालांकि डिसअपॉइंटमेंट तो हुई बहुत सारे लोगों से, लेकिन मैंने कभी अब्बा को उन लोगों के बारे में उनसे दिल को ठेस लगने का या उनसे डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र या बुरे लफ्जों में उनका जिक्र नहीं सुना।
अच्छा जिक्र बहुतों का सुना है, अच्छाई का जिक्र बहुतों का सुना है, कईयों का सुना है। और आप में से भी कितने लोग मौजूद हैं जिनका अब्बा ने बैठ के मेरे साथ बातें हुई हैं, शाह भाई, शाह भाई की बेगम, अभी न्याज भाई बात कर रहे थे, न्याज भाई, मतलब वैसे तो सभी का हुआ है, मतलब सबसे मेरी मुराद ये है कि कई लोगों का हुआ है जो आज इस हमारी इस मजलिस से मौजूद हैं, और उनकी बड़ी खूबियाँ अब्बा ने बताई और खुशी के साथ उनका जिक्र किया, लेकिन बुराई किसी की नहीं की। अब बुराई किसी की नहीं की तो एक आदमी कहेगा भाई इनके साथ किसी ने कोई बुराई नहीं किया होगा, तो नहीं भाई ऐसा नहीं था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं। उस डिसअपॉइंटमेंट को बर्दाश्त कर लेना एक बड़े जर्फ की बात है, एक बहुत बड़े जर्फ की बात। अब हम तो आमतौर पर ये करते हैं कि किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दो की जगह चार सुना देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सबको अपने मुर्शिद से वो सलीके और वो करीने और वो आदाब सीखने चाहिए जो इंसानों के अखलाक को बुलंद दर्जों पर लेके जाते हैं, जो इंसान को आला अखलाक का हामिल बनाता है। हम सबको अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए, हुसूल माश में किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है, कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो अच्छा स्टूडेंट बने, बिजनेसमैन को चाहिए कि वो उसका बिजनेस और ग्रो करे, जॉब वाले को चाहिए कि उसकी रैपिड प्रमोशन हो। हम सबको अपनी जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ये कोई मना नहीं है सिलसिले तरीकत में। हाँ, तरक्की के सफर में आला अखलाक भी, इंसान की अखलाकी तरक्की भी होती रहनी चाहिए। अगर हम अखलाक को कंप्रोमाइज करके तरक्की कर रहे हैं तो वो तरक्की नहीं है, वो दुनियादारी के लिहाज से बैंक बैलेंस में इजाफा है, दरअसल तो वो तनज़्ज़ुली है। अब्बा की जिंदगी से एक बात जो सीखने की है कि जैसे जैसे अब्बा अखबार के जरिए, रिसाले के जरिए, किताबों के जरिए एक उनका मुकाम दुनिया ने पहचानना शुरू किया, वैसे वैसे अब्बा के अखलाक आला से आला होते चले गए। ये एक ऐसा सबक है मेरी नज़र में जिस पर हमें खुद भी गौर करना चाहिए और इस सबक को हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपनी औलाद को ये सोच, ये फिक्र और ये फहम मुंतकिल करने का एहतमाम करना चाहिए। हम सब इस दुनिया में आए हैं, आर्जी कयाम है, यहाँ से वापस जाना है, पीछे आपके आला अखलाक रह जाएंगे। वरना कितने बड़े बड़े लोग हैं, कैसे कैसे फिरौन, जब वो मर गए ख़त्म कहानी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले ब्यूरोक्रेट या हुक्मरान या दौलतमंद लोग जिनके गर्दन में सरिया उनको झुकने ही नहीं देता था, तो उनका कहाँ जिक्र है। जिक्र है तो इंसान के अच्छे औसाफ का जिक्र है। तो अब्बा ने एक मरतबा लिखा था, पहले नूर नबूवत नूर इलाही के अनवान से अब्बा लिखा करते थे, फिर आवाज़ दोस्त के अनवान से अब्बा ने लिखना शुरू किया एक अलग से कॉलम, आवाज़ दोस्त के बाद उसका नाम सदाए जर्स कर दिया। तो उसमें लिखा करते थे किसी ने किसी टॉपिक पर, तो एक मुझे याद आ रहा है अभी इस मौजू के मुनासबत से कि अब्बा ने लिखा कि जब इंसान मर जाता है तो उसका जिस्म अकड़ जाता है, जब इंसान जिंदा होता है तो उसकी गर्दन झुक जाती है, उसके हाथ आप हाथ मोड़ लें, उंगलियाँ मोड़ लें, गर्दन झुका लें, दाएं बाएं कर लें, गर्दन जिंदा इंसान की गर्दन दाएं बाएं होती है, झुकती भी है, हाथ भी उसकी उंगलियां भी बंद होती हैं खुलती हैं, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है, फिर आप उसकी गर्दन लेफ्ट राइट नहीं कर सकते अगर इंतकाल को थोड़ी देर हो जाए तो। तो अब्बा ने लिखा कि जो इंसान में अकड़ है ना, दरअसल वो मुर्दा है, चूंकि जिंदा तो झुकता है, जिंदगी की अलामत यह है, एक जिंदा आदमी है वो सो रहा है, आप उसकी गर्दन दाएं बाएं करने हो जाएगी, एक आदमी मर गया उसको थोड़ी देर हो गई, अब आप उसकी गर्दन को दाएं बाएं करने नहीं होगी। तो अब्बा ने लिखा कि अकड़ अगर है तो इट मीन्स कि ही इज डेड,
जिंदा है पर मुर्दा। तो देखिए, रूहानी सिलसिले में आना एक बड़ी सआदत की बात है। जैसे कि नियाज भाई ने कहा कि लाखों करोड़ों लोग हैं, हमें सआदत मिली कि हम मुर्शिद के दामन से वाबस्ता हुए, तो ये कितनी खुश नसीबी की बात है। रूहानी सिलसिले में आना इसका मकसद ये है कि इंसान अपने तस्किया नफ्स का एहतमाम करे मुर्शिद के ज़रिए, सिलसिले तरीक़त के माहौल के ज़रिए, सिलसिले तरीक़त के निसाब के ज़रिए। और तस्किया नफ्स में सबसे पहले बाअदब बानसीब के उसूल को समझ के अखलाकियात की तामीर का एहतमाम किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत के दिन वो लोग मेरे ज़्यादा करीब होंगे जो अख्लाक में ज़्यादा अच्छे हैं। बुनियादी बात यह है कि सिलसिले में आने का हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये कि अल्लाह पर हमारे यकीन में, अल्लाह पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताएं कि ज़िंदगी के कितने वाक़यात ऐसे हैं कि जब आपने अपने आप को मुश्किलात में घिरा पाया और फिर पता नहीं कहां से अल्लाह की मदद आई जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं थी और आप उस मुश्किल से निकल गए। तो हमारी अपनी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में ऐसे लातादाद वाक़यात हैं जब हमने खुद इस बात का मुशाहिदा किया कि सिलसिले अजीमिया के अराकीन पर अल्लाह ताला की रहमतें हैं, अल्लाह ताला की बरकतें हैं और हम अल्लाह ताला के हिफ्ज तो अमान में, और अल्लाह ताला हमें तरह तरह से नवाज रहे हैं। सबसे बड़ा ये नवाजिश तो यही कि अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कितनी बड़ी सआदत, जिस कदर बड़ी सआदत। इस सआदत पर मजीद सआदत ये कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दोस्त के दामन से भी वाबस्ता कर दिया। अब हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल में इजाफे का अहतमाम करें। और अगर उसके लिए कोई चलती फिरती मिसाल देखनी है तो खुद अब्बा जी की मिसाल है, यानी अगर हमने अपने सामने देखनी है तो, क्योंकि इंसान की आदत है ना कि इंसान कोई अपने सामने की चीज़ भी देखना चाहता है। अब्बा जी की ज़िंदगी अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसे और अल्लाह पर तवक्कुल का एक बेहतरीन आज के दौर में एक मिसाल है और एक नमूना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मज़ीद बात होगी।